हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 10.2 के सभी सवाल। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या एक से। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगक्षम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगक्षम वृत्तों की बराबर जीवाएँ उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। हमें सिद्ध यहाँ पर यह करना है कि सर्वांगक्षम वृत्तों की बराबर जीवाएं हमें बराबर दे रखी हैं, वो केंद्रों पर बराबर कोण बनाएंगी। और याद हमें इस बात को रखना है कि दो वृत्त सर्वांगक्षम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सर्वांगक्षम का मतलब होता है जैसे हम विच्छेद करें तो सर्व अंग सम, यानी सभी अंग समान। कोई भी दो आकृतियाँ जिसके सभी अंग बिल्कुल एक समान हों तो सर्वांगक्षम कहलाती हैं। जो बिल्कुल एक जैसी हो आकार में और देखने में हूबहू एक जैसी आकृतियां सर्वांगक्षम कहलाती हैं। तो वृत्त के केस में दो वृत्त सर्वांगक्षम होंगे यदि उनकी त्रिज्याएं क्या हों, बराबर। तो आइए इसको हल करते हैं। ये हमने दो वृत्त ले रखे हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या हैं, बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्वांगक्षम वृत्त हमें दे रखे हैं। यहाँ पर ये हम जीवाएँ ले लेते हैं। एक जीवा हमने ये ले ली और एक जीवा ये दोनों जीवाएं क्या हैं, बराबर। ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। इनको मिलाएंगे, ये हमारी त्रिज्याएं हैं। इसको हमने मान लिया ओ, सेंटर को, केंद्र को। इसको ओ डैस, ये ए बी, ये ए डैस बी डैस। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया क्या है। दिया है कि वर्त है वो सर्वांगक्षम है, सर्वांगक्षम वर्तों की बराबर जीवाएं। वर्त अगर सर्वांगक्षम है तो इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर। ऊपर दे रखा है कि दो वर्त सर्वांगक्षम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। तो यहाँ पर वर्त हमें सर्वांगक्षम दे रखे हैं, त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर। यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ ए डैस बराबर ओ बी डैस। यानी ये चारों त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर है। इस वृत्त की, एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पर वर्त सर्वांगक्षम है तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर। ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अभी इन बराबर जो इन जीवाओं ने केंद्र के ऊपर, इस ए बी जीवा ने केंद्र के ऊपर कोण बनाया है ये, और इस वृत्त की ए डैश बी डैश जीवा ने केंद्र पर कोण बनाया है ये। तो हमें ये बताना है कि कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण ए डैश ओ डैश बी डैश। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर त्रिभुजों को सर्वांगक्षम सिद्ध करेंगे। हम त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए डैस ओ डैस बी डैस। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगक्षम दिखाएंगे। इस त्रिभुज के अंदर जो ओ ए है हमारे पास, वो बराबर होगा ओ डैस ए डैस के। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त क्या हैं, सर्वांगक्षम। वृत्त हमें दे रखे हैं सर्वांगक्षम। वृत्त सर्वांगक्षम तब होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं क्या हों, बराबर। इसी प्रकार ओ बी बराबर ओ डैस बी डैस। क्यों? क्योंकि वृत्त क्या है, सर्वांगक्षम। तीसरा हमारे पास क्या होगा, ए बी बराबर ए डैस बी डैस। जीवाएं हैं बराबर, ये क्या है, दोनों वृत्तों की जीवाएं। और ये हमें दी हुई है कि सर्वांगक्षम वृत्तों की बराबर जीवाएं, कि जीवाएं क्या हैं, बराबर। इसलिए हमारे पास त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगक्षम हो जाएगी त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश। किसके द्वारा? भुजा भुजा भुजा, एस एस एस, साइड साइड साइड, या भुजा 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 द्वारा।
दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगी, सर्वांगसम। त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी के अंदर कोण ए ओ पी बराबर हो जाएगा कोण ए डैश ओ डैश बी डैश, किसके द्वारा, सी पी सी टी। ये कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। प्रश्न संख्या दो है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। अब ये जो प्रश्न है ये प्रश्न संख्या एक का बिल्कुल विपरीत है। इस प्रश्न के अंदर में ये दिया हुआ है कि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें, यानी वृत्त सर्वांगसम है और उनकी जीवाएं हैं वो केंद्र के ऊपर जो कोण बना रही हैं वो दोनों कोण क्या हैं, दोनों वृत्तों के की जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण क्या हैं, बराबर। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर। यहाँ हमने दो वृत्त लिए सर्वांगसम, समान त्रिज्या के दो वृत्त, इनकी जीवाएं ए बी जीवा है, इसकी जीवा ए डैश बी डैश है। ये जीवा केंद्र के ऊपर, ए बी ने केंद्र के ऊपर कोण बना दिया ए ओ बी, ये वाला। इस जीवा ने केंद्र पर कोण बनाया है ए डैश ओ डैश बी डैश, ये दोनों कोण क्या है, बराबर। ये दोनों कोण क्या है, बराबर। हमें सिद्ध करना है कि जीवा ए बी बराबर है ए डैश बी डैश। हमें दिया है कि इस वृत्त सर्वांगसम है और कोण ए ओ बी और कोण ए डैश ओ डैश बी डैश आपस में बराबर हैं, और सिद्ध हमें करना है कि जीवाएं ए बी और ए डैश बी डैश क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ पर हम त्रिभुज लेके चलेंगे ए ओ बी वह त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए ओ बी के अंदर ओ ए बराबर होगा ओ डैश ए डैश, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं सर्वांगसम वृत्तों की, वृत्त क्या है, सर्वांगसम, और वृत्त सर्वांगसम होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर। इसी प्रकार ओ बी बराबर है ओ डैश बी डैश, वृत्त हमारे सर्वांगसम है। तीसरा, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ डैश बी डैश, ये हमें दिया है, ये हमें दे रखा है, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश, किसके द्वारा, भुजा कोण भुजा द्वारा। इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हैं तो ए बी त्रिभुज ए ओ बी के अंदर भुजा ए बी बराबर होगी ए डैश बी डैश के, किसके द्वारा, सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत। तो यही हमें इसके अंदर सिद्ध करना था।